भाई डांट रही थी, बोल रही थी क्यों नहीं पी रही है जब इतना अच्छा चीज है तो। डेंगू मलेरिया ये सब में भी बहुत अच्छा होता है। इतना हम लोग चलते चलते कब आ गए रोड तक पता ही नहीं चला, डर के मारे रुक गया, भाग गया भाग गया। हेलो गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल। रवि दोपहर हो गया है, मुस्कान बाल झाड़ रही है मेरा। ओए रुको तो, और अभी धूप भी नहीं है, बैठ भी नहीं रही थी तो इसको मैं काम पकड़ा दी हूँ कि मेरा बाल तुम सुझरा दो, झुरा दो मीन्स झाड़ दो। क्या मुस्कान, अच्छा लग रहा ना मेरा बाल झाड़ने में? बहुत बेकार, बहुत बेकार। मुस्कान को कोई काम करने के लिए कह दिया जाए उसके बाद तो बस मुस्कान का दिमाग खराब हो जाता है। अब देखते हैं मुस्कान कितना मेरा बाल सीधा करती है, हवा भी चल रहा है, जितना सीधा कर रही है उतना फंसे जा रहा है। मन्नू तो अभी कॉलेज से आया नहीं है, उसको आने में लेट होगा। अब उसका कॉलेज कंटिन्यू खुल गया है, अब वो डेली ही जाएगा। पहले कुछ दिन तक तो था कि हाँ आज गए, एक दो दिन गए, फिर छुट्टी, फिर एक दो दिन गए, छुट्टी वाला था। ऐसे में अपने पुराना रूटीन में फिर से मैं कोशिश कर रही हूँ आने का। पहले मैं 6:30 बजे तक मेरा नाश्ता बन जाता था और घर का सारा काम 10 बजे तक खत्म हो जाता था। तो जब से लॉकडाउन लगा था तब से सारा आदत बिगड़ गया था। आराम से उठना 10-11-12 बजे तक काम करना वाला था, तो मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ धीरे धीरे। हालांकि आज भी मैं लेट से उठी थी लेकिन फिर भी मेरा काम थोड़ा जल्दी हो गया था। सुबह में नाश्ता वगैरह, मेरा मुंह देख रही है बैठ करके, क्या बात है, बाल झाड़ना छोड़ दी जैसे तैसे, मतलब सीधा तो कर ही दी है, ऐसे नौटंकी कर रही है मेरे मुंह के सामने बैठ गई आके। बाल तो झाड़ी नहीं मेरा पूरा ठीक से? हम नौटंकी नहीं कर रहे, मैं क्यूटनेस है। अच्छा तेरा क्यूटनेस है, वही दिखा रही है। मुस्कान को बहुत हंसी आ रहा है, पागल लग गए। बेचारी बहुत परेशान हो जाती है आजकल, अकेले हो जाती है। मन्नु को जब से कॉलेज खुला है मुस्कान अकेली हो गई है। आए मेरा बच्चा, बस इसके पास बस घूमने का ही होता है, ये कोई घुमाने नहीं ले जा रहा है, कोई घुमाने ले जा रहा है, बोल रहे हैं चलो मेरे साथ काम करो। निकाल निकाल फूट फूट, हम फटाका थोड़ी से फूटेंगे, सुतली बम सुतली बम। देखना है गिलोय जो कि काफी दिन से रखा हुआ है। दिवाली में मैं साफ सफाई की, उसके बाद शायद एक दो बार मैं बना करके पी हूँ, उसके बाद रखा हुआ है। तो मैं वही जा रही हूँ देखने के लिए, कहीं काफी बहुत सारा उसमें सूख भी गया था, काफी टाइम हो गया ला करके, मनु रख दिया था तो वही मैं बना बना कर पी रही थी। तभी 2 दिन पहले मैं माँ के यहाँ गई थी तो माँ बोली कि गिलोय पी रही है ना, तो मैं बोली कि नहीं अभी कुछ दिन से नहीं पी रहे हैं। तो वही डांट रही थी, बोल रही थी क्यों नहीं पी रही है जब इतना अच्छा चीज है तो क्यों छोड़ दी। क्योंकि जब से मुझे पता चला था कि मेरे यूट्रस में ट्यूमर है तब से मैं ज्यादा ही पीती थी, डेली पीती थी, सुबह शाम मैं पिया करती थी। क्योंकि कहते हैं कि अगर कैंसर होता है तो ग्लोय से ठीक हो जाता है, तो वही मैं कंटिन्यू पी रही थी। तो अभी तो रिपोर्ट ठीक ठाक आ गया लेकिन भी मैं पीऊंगी, छोड़ूंगी नहीं, यहीं पर बोरी रखा हुआ है, मैं लेकर के चलती हूँ इसको घर से निकालूंगी, क्योंकि अंदर निकालूंगी तो गंदा हो जाएगा। मैं तो जड़ भी निकल गया है, पूरा इसमें जड़ निकल गया है, और बहुत सारा सूख भी गया है, इस सबको हटाना है, पूरा हरा है बिल्कुल। एक समय था कि कोई गिलोय को जानता भी नहीं था, कोविड की वजह से सब कोई जानने लग गए हैं गिलोय क्या होता है। मुझे भी नाम पता था कि गिलोय होता है, क्या काम आता वो भी पता था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि इधर भी मिल सकता है। वही मैं मम्मू को बोली कि जब मुझे पता चला कि हाँ ट्यूमर है, तभी मैं उसको जिद की कि तुम कहीं से भी गिलोय लेके आओ, अपना दोस्त लोग से पूछो, चाहे किसी से भी पूछो, किसी के घर में तो जरूरी होगा। वही मैंने ढूंढना शुरू किया तो फिर उसको पता चला उसके एक फ्रेंड से यहाँ एक जगह है जहाँ पे बहुत गिलोय है, तो वहीं से मनु ला करके देता था। फिर लास्ट टाइम जब लेके आए करीब ये वाला गिलोय लाया हुआ 1.5 साल हो गया, तब से ये हरा ही है, सूखा नहीं है। ये तो बहुत सारा पतला पतला है, तो ये पतला पतला वाला सूख गया है, लेकिन जो मोटा मोटा है वो नहीं सूखा है। तब से मैं जो कंटिन्यू पी रही थी, लेकिन अभी दिवाली के टाइम से थोड़ा सा मैं ढीला कर दी हूँ, रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक दिन तो जरूरी पी लेना चाहिए,
सर्दी खांसी बुखार फिर आपका डेंगू मलेरिया ये सब में भी बहुत अच्छा होता है। किलोई का काढ़ा पीने से आपका बुखार भी उतर जाता है। इतना ही सा ठीक ठाक है, रोके भी चल जाएगा, करीब 10-15 दिन तो चल ही जाएगा इतना में। और इतना सा सूखा हुआ है, सूखा हुआ है उसको मैं फेंक दूंगी और इसको मैं रख देती हूँ, जो कि अब मेरा हाथ से डेली फिर से मैं बनाना शुरू करूंगी काढ़ा। ये लोग तो पीता नहीं है, फिर भी इन लोगों को मैं हफ्ता में कम से कम एक दिन तो मैं दे दूंगी। 2-3 दिन का पानी में इतना पानी भर गया इधर पूरा। हम लोग घूमने के लिए निकले हैं मुस्कान के साथ में और रास्ता बहुत खराब है। चलो देख के चलो ठीक से, तो कीचड़ में घुस जाएगी। जिधर जिधर सूखा लो उधर उधर चलो। मैं और मुस्कान हम लोग दोनों जन आए हैं। मुस्कान कहाँ चल जाती है, इधर है मुस्कान। मुस्कान का तो मुंह भी नहीं दिख रहा है, टोपी और बाल के अंदर छुप गया मुस्कान का चेहरा। और मुस्कान का आज घूमने का मन था तो बोली तो आज हम लोग दोनों जन आ गए हैं सिर्फ, और मन्नू नहीं आया हम लोग के साथ में। हम बोले कि चलो हम लोग दोनों ही घूम करके आ जाते हैं। थोड़ा सा बारिश हो जाता है तो पूरा कीचड़ हो जाता है, इधर निकलने लायक नहीं रहता है, इसीलिए नहीं निकलते हैं। तो आज अभी तो 2 दिन से अच्छा मौसम किया है, लेकिन बारिश 3 दिन इतना आया है कि पूरा कीचड़ हो गया है। तो बच्चे लोग साइकिल भी चला रहा है बहुत सारा। मुस्कान का साइकिल तो टूट गया। इतना खुश है, कहा टूट गया इसीलिए नहीं चलाना था। कितना जीत करके बनवाई थी पूरा साइकिल, मन में पूरा रिपेयर करवा दिया था साइकिल को। उसका क्या क्या हैंडल टूट गया था, सिर्फ हैंडल टूटा था ना, पूरा पार्ट। इतना पैसा खर्चा करके बनवा दिया, लेकिन घर के अंदर तो जगह ही नहीं है, घर के बाहर रास्ता ही नहीं है सही। हम लोग इधर ग्राउंड के पास आ गए हैं, ग्राउंड पूरा खाली है क्योंकि बारिश के चलते पूरा कीचड़ कीचड़ है, इसलिए कोई नहीं है। और इधर रास्ता में थोड़ा थोड़ा मिट्टी गिराया गया है शायद कीचड़ की वजह से, ताकि आने जाने में सुविधा हो। टहलते टहलते रोड तक पहुँच गए, थक गए नहीं थकी, कब चलते चलते रोड तक पहुँच गए हम लोग। इतना हम लोग चलते चलते कब आ गए रोड तक पता ही नहीं चला, घूमना भी हो गया हम लोग का। मुस्कान के साथ खेलने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मुस्कान गिट्टी से खेल रही है ना। मुस्कान कोई नहीं है ना, अभी मन्नू आता तो मन्नू के साथ खेली होती, तो मुस्कान को गिट्टी मिल गया है, लात मारते मारते घर पहुंचा देगी का उसको। हाँ रोड में तो घर ले जाएगी। अच्छा रोड में है, गिट्टी घर ले जाएगी, अकेले हो भी ना, अकेले कहाँ है किसको। अच्छा उधर 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 डॉगी है, उधर बिल्ली है, उधर कुत्ता बिल्ली। देखो यहाँ बैठा हुआ बिल्ली दिख रहा है तुमको, वो आ रहा था लेकिन कुत्ता को देख कर के वो रुक गया है। डर के मारे रुक गया, भाग रहा है। वो आ रहा था स्पीड में, ये देखो झाड़ी में छुप के बैठ के देख रहा है। उसका रिश्तेदार है, मुस्कान बोल रही है कि बिल्ली का कुत्ता रिश्तेदार है, इसीलिए देख करके रुक गया तो भाग गया उधर। ये हम लोग के घर के पास वाला रास्ता है, हम लोग घर पहुंच गए हैं, क्या करें बहुत भयानक रास्ता है, इसी चलते हम लोग घर से निकलते ही नहीं है, क्योंकि चलने के लिए रास्ता सही सलामत रहे तब तो चले। चलो चलो, इधर पूरा पानी बह रहा है, जैसे नदी में बहता है वैसे पानी कंटिन्यू यहाँ बह जा रहा है।